हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रॉयल आर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने बड़ा वीडियो बनाया है, यानी रियल टाइम कुछ पार्ट इसमें मैंने ऐड किया है। शुरुआत हमेशा की तरह ही मैंने की है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा वन टम्बर कलर से मैं शुरुआत करता हूँ मेरे पेंटिंग की। आईज वाला जो पार्ट है वो क्लियर करने के बाद हल्का सा मैं ड्राइंग को क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं स्किन टोन से कलरिंग स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो शुरुआती का वर्क है, जो बर्न सिना या बर्न टम्बर कलर से मैंने जो किया अभी आप देख रहे हो वीडियो में, ये बहुत ही संभल के करना है, क्योंकि पोर्ट्रेट पेंटिंग में ये ज़रूरी है कि आप जिनका भी पेंटिंग बना रहे हो वो एटलीस्ट 80-85% तो कैरेक्टर में रहे उनके ही। ये शुरुआती जो शेड आप देख रहे हो नियॉन ऑरेंज है, बर्न सीना वाइट ऐड कर रहा हूँ उसमें, और साथ में ही वर्मिलियन जो कलर है वो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ कई जगह पे। आँखों वाला जो आप पार्ट देख रहे हो उसमें जो वाइटिश ब्लूइश शेड नज़र आती है वहाँ पे थोड़ा सा ग्रेइश भी है। एक ही कलर में यूज़ किया मैंने, कोबाल्ट ब्लू में थोड़ा सा वाइट भी ऐड किया है, थोड़ा ब्लैक ऐड करके थोड़ा ग्रेइश टोन भी बनाया है, और वर्मिलियन भी थोड़ा सा हल्का सा मैंने आँखों वाला जो पार्ट है उसमें यूज़ किया है। और उसके ऊपर जो आईब्रो के नीचे वाला जो पार्ट है उसके लिए मैं नियॉन ऑरेंज और निपल्स येलो, उसमें हल्का सा वाइट भी मैंने ऐड किया है, और सैप ग्रीन। ये देखिए सैप ग्रीन कलर है, मैं हमेशा मेरे वीडियो में बताते रहता हूँ कि आईब्रो वाला जो पार्ट है उसको पहले तो आप सैप ग्रीन कलर से करो लाइट, फिर उसको आप बर्न टम्बर या हल्का सा ब्लैक ऐड करके कर सकते हैं। दोस्तों, आईज वाला जो पार्ट है वो कर लेते हैं, मतलब इतना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता, लेकिन जो नोज़ रहता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है, ख़ास करके अगर आप बिगनर हो। कुछ एंगल ऐसे रहते हैं फेस पे, जैसे कि 3/4 एंगल है और या साइड एंगल से आप पेंटिंग कर रहे हो किसी भी फेस का, तो वो साइड एंगल से आसान हो जाता है, लेकिन फ्रंट से या 3/4 में नोज़ को राउंडेड लाना, उसके ऊपर वो शेड ऐड करना, आप देखोगे तो सबसे जो आगे वाला पार्ट है अपने फेस पे वो है नोज़, तो उसको अच्छे से करना, उसमें ऑरेंज शेड यूज़ करना या उसके ऊपर हाईलाइट है वो दिखाना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है बिगनर्स के लिए। क्योंकि अगर नोज़ अच्छे से नहीं हुआ, अगर आप देखोगे किसी भी एक्टर को एक्ट्रेस को, अगर उनका नोज़ बहुत अच्छा है तो वो बहुत ही अच्छे दिखते हैं। नोज़ अगर ऐसे चपटा बोल सकते हैं हम लोग ऐसे रहेगा तो फिर वो इतना अच्छा नहीं दिखते कोई भी एक्ट्रेस हो। वैसे ही पेंटिंग में अगर आप नोज़ अच्छे से करते हो, लिप्स आईज़ के साथ ही अगर आप नोज़ भी अच्छे से करते हो तो पेंटिंग बहुत ही अच्छा दिखता है दोस्तों। तो यहाँ पे अब देखो ये जो शेड जो है बहुत ही सोच समझ के मैं यूज़ कर रहा हूँ, निपल्स येलो, नियॉन ऑरेंज, डार्क साइड के लिए जो मिडल वाला टोन बनाया है उसके लिए बर्न सीना कलर या वर्मिलियन। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फ्रेश कलर यूज़ करने हैं स्किन टोन, डल कलर नहीं यूज़ करने हैं, यानी कि उसमें कहीं पे भी ब्लैक नहीं आना चाहिए शेड में। आप ब्रश को भी अच्छे से क्लीन किया करो बार बार, और जो शेड है वो बना रहे हो वो भी
सेपरेट जगह पे बनाओ स्किन टोन के लिए, क्योंकि उसमें अगर थोड़ा सा भी ब्लैक या सैप ग्रीन जैसा कलर आ गया तो भी वो कलर डल हो जाता है, जो कि स्किन पे यानी फेस पे जो स्किन टोन का पार्ट है वहाँ पे अच्छा नहीं लगता। शैडो सेट में मैंने थोड़ा सा वॉलेट कलर और उसमें वाइट ऐड करके जो शेड यूज़ किया है अभी तो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन पेंटिंग के बाद में अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं वो चेंज भी कर दूंगा। लिप्स के लिए नियॉन पिंक, उसमें क्रिम्जन, ये देखिए क्रिम्जन में वाइट, ये देखिए नोज पे जो हाईलाइट है उसके लिए लेमन येलो और उसमें वाइट। 80% वाइट है और 20% कह सकते हैं हम ये लेमन येलो कलर है। ये हाईलाइट बाद में मैं थोड़ा सा उस पर वाइट भी ऐड करूँगा जो नोज पे सबसे ज़्यादा लाइट आ रहा है वो पार्ट के लिए। ये विंसेंट न्यूटन का फ्लैश टिंट कलर है, मैं हमेशा मेरी पोर्ट्रेट पेंटिंग में यूज़ करता हूँ। नेपल्स येलो, वाइट, नियॉन, ऑरेंज, वाइट में थोड़ा सा फ्लैश टिंट कलर मैंने ऐड किया, नियॉन ऑरेंज आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। नियॉन ऑरेंज आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। फोर हेड वाला जो पार्ट है वहाँ पे फ्लैश टिंट नियॉन ऑरेंज और उसमें हल्का सा नेपल्स येलो भी मैं ऐड करूँगा। ये जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ कैमल का सिंथेटिक हेयर फ्लैट ब्रश है, बहुत ही अच्छे ब्रिसल है इसके, अगर आप अच्छे से क्लीन करते रहोगे और क्लीन करने के बाद ब्रश रखने की जो पोजीशन रहती है उसके जो ब्रिसल रहते हैं वो ज़्यादातर डाउन साइड मतलब नीचे के साइड से आप रखोगे और ऐसे उसके लिए स्टैंड भी मिलता है, अगर आप वो यूज़ करोगे तो आपके ब्रश के लिए जो लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी, ज़्यादा आप यूज़ कर पाओगे ब्रश को। क्लीन करने के लिए आप पानी या थिनर भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए उसे थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैं यहाँ पे बर्न सीना कलर भी ऐड करूँगा। पानी आप अपने हिसाब से यूज़ करते रहिए, अगर पतला हो गया तो ब्लेंडिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कलर को ठीक रखने की कोशिश करें। बहुत सारे बिगनर्स ये कोशिश करते हैं कि पानी के ज़रिए वो कलर को ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं जैसे वाटर कलर में होता है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, जितना आप कलर को ठीक रखोगे उतना ही अच्छा है। और ये प्रोसेस जो है ब्लेंडिंग की वो आपको जल्दी जल्दी में करनी है, यानी एक शेड आप बना रहे हो तुरंत आपको उसमें ही दूसरा शेड ऐड करके या कलर ऐड करके दूसरी शेड बनाओगे तो पहली शेड सूखने से पहले ड्राई होने से पहले ही आपको उसके साइड में दूसरी हेड ऐड करके उसको अच्छे से ब्लेंड करना है तो कलर बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है या जो फिनिशिंग आप चाहते हो वो आती है आपको मिल सकती है। ये देखिए डार्क साइड में हालांकि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, मिडल टोन में ही है, बर्नट सीना कलर मैंने ऐड किया है। दोस्तों मुझे कलर ज़्यादा वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी मैं शेड यूज़ करूँ वो वेस्ट ना हो जाए। ऐसा बहुत कम बार होता है कि मैंने कोई शेड बनाई है और वो मुझे कहीं पे मैच नहीं हो रही या उसको वेस्ट हो गई या फेंकना पड़ रहा है उस शेड को, मतलब यूज़ नहीं होना है, ऐसा कभी नहीं होता, इसलिए मैं सोच समझ के शेड बनाता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो कि मैं जो पैलेट पे कलर्स जो है वो मैं ऑयल कलर की तरह नहीं निकालता हूँ,
ट्यूब मैंने साइड में ही रखे हैं, ट्यूब से मैंने डायरेक्ट ब्रश से मैं निकालता हूँ, उससे मेरे कलर्स बहुत कम वेस्ट होते हैं, क्योंकि ये जो मीडियम है जल्दी सूख जाता है, फिर ऊपर से सूखना स्टार्ट होता है, फिर बीच में जो शेड है वो थोड़ा सा गीला रहता है, लेकिन बहुत ही उसमें कलर वेस्ट हो जाता है। बहुत साल मैंने एक्रेलिक में काम करने के बाद फिर कुछ सालों से मैं ऐसे कर रहा हूँ, ट्यूब जो है उसको ऐसे ही ओपन रखता हूँ और उसमें से डायरेक्ट ब्रश से शेड निकाल के वो बनाता हूँ मैं और अप्लाई करता हूँ। एक कमेंट भी आई थी मुझे कि आर्टिस्ट ऐसा नहीं करते हैं, ज़्यादातर पैलेट पे ही शेड निकालते हैं और बाद में उसको यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं भी अभी अभी स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं है दोस्तों, करीबन मुझे 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस फील्ड में और एक्रेलिक पेंटिंग मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। तो मैं आपको मेरे कभी ट्यूब भी बताऊँगा, बहुत ही कम वेस्ट होते हैं मेरे कलर्स, मैं एंड तक मतलब पूरा ट्यूब जो है वो पूरा का पूरा यूज़ हो जाता है मेरा, सूख के ड्राई होके वेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये जो छोटे पेंटिंग में करता हूँ ये मेरा काम जो रहता है वो डेली का रहता है ज़्यादातर, मतलब वीकेंड पे सैटरडे संडे या बीच में कभी छुट्टी मिलती है मुझे, मैं जॉब भी करता हूँ वहाँ से छुट्टी मिलती है तो उसमें भी करता हूँ, तो मेरा पेंटिंग चलता रहता है, इसलिए मेरे जो ट्यूब जो कलर है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होते, मेरे यूज़ हो जाते हैं। आप जैसे कंफर्टेबल हो अपने पेंटिंग में वैसे आप कर सकते हो, प्रोसेस कैसे भी हो आखिर में आपको जो पेंटिंग है वो अच्छे से करना है। ये जो पार्ट है उसके लिए मैंने थोड़ा सा नियॉन कलर ऐड किया है, जो पहले से बर्न्स इन और वाइट कलर जो है वो थोड़ा सा मुझे डल लग रहा था, उसमें मैंने थोड़ा सा नियॉन ऑरेंज ऐड किया, तो जो शेड मुझे चाहिए था वो मिल गया। पेशेंस बहुत चाहिए एक्रेलिक में अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो, क्योंकि जिस तरीके से ये कलर ड्राई होते हैं वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस हिसाब से पेंटिंग करना। लैंडस्केप तो भी फिर भी आप कर सकते हो लैंडस्केप, लेकिन पोर्ट्रेट पेंटिंग कलर ब्लेंड करके करना, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो। और सबसे पहली बात ये है कि आपको ऐसे नहीं समझना है कि मैं ये कर ही नहीं पाऊँगा या मुझसे होगा ही नहीं, इतना बहुत मुश्किल लग रहा है, मैंने एक दो बार कोशिश भी की है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, ऐसे नहीं सोचना है दोस्तों। आपको जब तक नहीं आता है या आप जैसे चाहते हो आप वर्क करना वहाँ तक आप जब तक नहीं पहुँचते हो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे भी, सब कुछ देखो, हर जगह नॉलेज बढ़ रहा है, पहले की तरह नहीं है कि किताबों से या एग्जीबिशन में जाके गैलरी में जाके पेंटिंग देखो और वहाँ से सीखो, अभी तो घर बैठे आप यूट्यूब पे गूगल पे सब कुछ आपको मिल जाता है। बैकग्राउंड में मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया, एक ही शेड बनाया है, थोड़ा सा ब्लैक भी ऐड किया है मैंने उसमें और निपल से लो वाइट नेकलेस या जो क्लोथ रहते हैं, यहाँ पे मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता, बस वो जो मुझे रिजल्ट चाहिए जो इमेज में दिख रहा है वो देने की मैं कोशिश करता हूँ। उनकी जो साड़ी है उन्होंने जो पहनी है उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए भी मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की दोस्तों, एक हल्का सा शेड यूज़ किया है ऊपर से रेड का डायमेंशन देने की कोशिश की है, डार्क मिडल लाइट, और जो मैंने स्टिपलिंग की है लेमन येलो है, वाइट है
नेपल्स येलो है, येलो ऑकर है, क्रिमजन रेड है, स्कारलेट रेड है, वर्मिलियन रेड है और नियॉन पिंक भी है। शुरू में जो मैंने शेड यूज़ किया है ये वही है दोस्तों, पोर्ट्रेट पिंक करके भी कलर आता है, मैंने यूज़ किया, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। वेस्टर्न आर्टिस्ट जो रहते हैं, फॉरेनर जो रहते हैं, उनकी स्किन जिस हिसाब से रहती है उसके लिए पोर्ट्रेट पिंक आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इंडियन पेंटिंग्स जो रहते हैं उनका जो स्किन टोन रहता है उस हिसाब से वो शेड मुझे इतना खास नहीं लगा। फ्लैश टिंट तो मैं कई जगह पे यूज़ कर देता हूँ, लेकिन पोर्ट्रेट पिंक मुझे ठीक ठाक लगा तो मैं नहीं यूज़ करता। मैंने जो मेरे पोर्ट्रेट पेंटिंग में शेड यूज़ किए हैं, नियॉन ऑरेंज है, वर्मिलियन है, येलो ऑकर है, नेपल्स येलो, बर्न सीना और नियॉन पिंक भी कई जगह पे यूज़ किया है। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप फ्लैट ब्रश से कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ, तो एक ही फर्स्ट फिलिंग में ही आपका देखो फाइनल हो जाता है, ये ब्लेंडिंग भी अच्छे से हो रहा है। ब्रश को थोड़ा लोडेड करने का कलर से और फिर पेंसिल रेंडरिंग जैसे करते हैं हम लोग, पेंसिल शेडिंग करते हैं, रेंडरिंग करते हैं, उसमें जैसे हम लोग स्ट्रोक देते हैं वैसे ही स्ट्रोक, ये देखो मासेस के हिसाब से, जैसे फेस पे भी बोन्स रहते हैं, बोन्स के ऊपर स्किन है, तो ये जो मासेस स्टडी है वो भी आपको करनी चाहिए स्टार्टिंग में ही, एनाटॉमी स्टडी, उसके लिए बहुत सारी बुक्स भी है, गूगल्स पे भी आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। दोस्तों बोरिस करके एक आर्टिस्ट थे, उनका पेंटिंग आपने देखा होगा कहीं पे, तो सुपर हीरो या ऐसे टाइप के वो पेंटिंग करते थे, बहुत ही अमेजिंग थे दोस्तों। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ स्टडी करना है, जैसे बोन्स की स्टडी या मासेस, तो उनके आप पेंटिंग देखिए गूगल पे सर्च करके, बोरिस बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट थे दोस्तों। मैं कॉलेज में था तभी से उनको बहुत पसंद करता हूँ। ट्रिपल जीरो या दो नंबर के ब्रश से डिटेल वर्क करता हूँ मैं, और ये जो हेयर वाला पार्ट है या जो थिन लाइन रहते हैं वो करने के लिए मैं ज़्यादातर नया ब्रश ही यूज़ करता हूँ। उसके लिए मैंने सेपरेट ब्रश रखे हैं क्योंकि उसके लिए ब्रश के जो ब्रिसल्स है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, अगर ख़राब हो तो ये लाइन शार्प नहीं मिलते हैं, इसलिए वो पार्ट के लिए मैंने मेरे ब्रश अलग ही रखे हैं। ये जो रेफरेंस है पिंटरेस्ट पे मुझे मिला था, मुझे पता नहीं था ये कौन है, लेकिन फिर इमेज जो पिक था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसका पेंटिंग बना लूँ। बाद में मैंने देखा नीचे नाम भी था उनका, प्रियदर्शन सरनेम था उनका, कल्याणी प्रियदर्शन करके, तो ये एक एक्ट्रेस है और इंस्टा पे इनके काफ़ी फॉलोअर्स है, 4 मिलियन से भी ज़्यादा। इससे पहले मैंने कभी इनको देखा नहीं था, लेकिन जैसे ही इनका ये फ़ोटो, ये पिक मैंने देखा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया दोस्तों। और इनके बहुत सारे पिक्स बहुत ही अच्छे हैं, जो पोर्ट्रेट करने जैसे आर्टिस्ट जैसे पोर्ट्रेट करते हैं उनके लिए जो उनकी पहली पसंद रहती है, जो फेस पे लाइट रहता है या शाडो वाला पार्ट जो रहता है डार्क, वो परफेक्ट है और मुझे काफ़ी पसंद आया। मैंने इनके बहुत सारे फोटो देखे, बाद में इंस्टा पे भी पिक देखे, बहुत ही अच्छे अच्छे पिक थे इनके,
तो मैंने तभी सोचा कि चलो एक पेंटिंग कर लूँ इनका। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों ये पेंटिंग करते हुए। दोस्तों बहुत बार ऐसे होता है, हम लोग गलत रेफरेंस चूज़ करते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। पेंटिंग कंप्लीट करने के बाद हमें खुद को लगता है कि हमने तो बहुत ही अच्छा पेंटिंग किया है, लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता लोगों से, क्योंकि जो हम लोगों ने चूज़ किया है वो ही उतना अट्रैक्टिव नहीं रहता रेफरेंस पिक, इसीलिए लोगों को भी शायद उसकी वजह से पसंद नहीं आता हो। लेकिन मैं ये पेंटिंग कर रहा हूँ और मुझे एज एन आर्टिस्ट मुझे ये उम्मीद है कि लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि जिस तरह से है ये रेफरेंस और मैं बना रहा हूँ और बन रहा है उस हिसाब से मुझे ऐसे लगता है। दोस्तों आप भी कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको ये पेंटिंग कैसा लगा। लेमन येलो और उसमें वाइट फेस पे मेकअप रहेगा, और साथ में उसके वजह से जो ग्लॉसी स्किन लग रही है वो दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ड्राई ब्रशिंग मेथड है दोस्तों, हाईलाइट वाला फाइनल टच ऑफ फेस पे। ये डायरेक्ट व्हाइट यूज कर रहा हूं मैं हाईलाइट के लिए। ब्लेंड देखो मैं कैसे कर रहा हूं, बहुत ही संभल के, कोशिश यही है कि वो जो मैं लाइट शेड यूज कर रहा हूं वो बाकी स्किन टोन में मर्च हो जाए, अच्छे से सेपरेट ना लगे। हेयर वाला जो पार्ट है अभी करूंगा मैं, उससे पहले कान। ब्लैक बर्न सीना ट्रिपल जीरो नंबर ब्रश, उसे लाइन बहुत ही अच्छे से आती है। और आप अगर थीन लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ड्राई ब्रशिंग मेथड नहीं यूज़ करनी है, पानी ज़्यादा ऐड करना है तो वो जो लाइन वर्क है वो अच्छे से होता है। थीन लाइन ग्रे शेड मैंने कैमल की नहीं ली है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कई जगह पे ग्रे स्टोन अगर आपको यूज़ करना है बैकग्राउंड में या क्लोथ पे तो आप कर सकते हो ग्रे। ये देखो हेयर वाला पार्ट है तो उसके ऊपर जो लाइट है वो मुझे थोड़ी सी ब्लूइश नज़र आ रही है, अल्ट्रामरीन ब्लू, उसमें थोड़ा सा वाइट ऐड किया मैंने, ग्रेइश टोन बनाया है, ब्लूइश ग्रेइश। ये देखो ट्रिपल जीरो नंबर से दोस्तों पोर्ट्रेट पेंटिंग के साथ में ही आपको अच्छे से डेकोरेट भी करना आना चाहिए। यहीं पे मैं मेरा ये पेंटिंग काम करता हूँ। दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।